हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बायोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन का पार्ट टू लेके आए हैं। अगेन ये नोट्स एनसीईआरटी से सारे पॉइंट कवर कर जाते हैं, अप टू इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं। नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स वीडियोज, क्लास 12 स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड का एग्जाम दे रहे इस बार उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। सारे प्रिसाइज पॉइंट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। कम से कम इतने पॉइंट उस चैप्टर के बारे में, उस टॉपिक के बारे में आपको अपने ट्वेल्थ लेवल में पता रहना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन का पार्ट टू। फर्स्ट पॉइंट, इसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट टॉपिक में, मतलब फर्स्ट पार्ट में ये देखा था कि कब इवोल्यूशन कब हुआ था, किस किस एरा में हुआ था। क्या एक दो थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था पहला जो पार्ट में, प्लेलिस्ट में आप जाके पहला पार्ट देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। आज हम ये देखते हैं कि डिफरेंट थियरीज गिवेन फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के लिए क्या क्या हाइपोथेटिकल या रियलिटी थियरी दी गई है, उन सारे थियरी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। थियरी आती हैं, रिजेक्ट होती हैं, फिर कोई साइंटिस्ट आता है उससे थोड़ा मॉडिफाई करके बनाता है, पुराने को रिजेक्ट करता है, फिर नया आती है, फिर पुराने को रिजेक्ट करता है, इसी प्रकार से प्रोसेस चलता रहता है। आज हम कुछ ठीक ठाक थियरी पहुंच चुके हैं जो कुछ बिलीव करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा उस टाइम, कोई उस टाइम था तो नहीं देखने के लिए कि धरती पे लाइफ कैसे आई कैसे नहीं आई, लेकिन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट की बेसिस पे या कुछ एक्सपेरिमेंटल व्यू की बेसिस पे हम देखते हैं कि कब क्या हुआ था। तो इसी प्रकार से हम आज चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में अपने कि डिफरेंट थियरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के। तो उन सब थियरी में सबसे पहली थियरी है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस, ये हमारी थियरी। इस थियरी को ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ दिस थियरी वाज फादर सॉरेज। एक उस टाइम पे फादर जो होते हैं क्रिश्चियन में, फादर होते हैं जो ज़्यादा सपोर्ट करते थे थियरी को उस टाइम पे, उनकी डोमिनेंसी उस टाइम ज़्यादा थी तो वो जो कह देते थे उनके हिसाब से चलना पड़ता था सोसाइटी को भी। तो उस टाइम के जो फादर सूरज थे वो इस थियरी को, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किए थे। और ये जो थियरी है माइथोलॉजी बेस्ड थियरी है, कि माइथोलॉजी बेस्ड में मान्यताओं के आधार पर थियरी है कि ऐसा होता होगा। तो इस थियरी के हिसाब से, मतलब देर आर थ्री मेजर पॉइंट्स इन दिस अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, तो आई विल डिस्कस वन बाय वन। तो देखिए पहला पॉइंट ये थियरी के हिसाब से क्या कहता है। पहला पॉइंट कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टूडे वेयर क्रिएटेड एज सच। मैंने क्या बोला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टूडे वेयर क्रिएटेड एज सच। आज जितने भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं धरती पे, ये पहले से ऐसे क्रिएट किए गए थे, ये कहता है थियरी। जबकि रियलिटी से इसका कोई नाता है ही नहीं, कोई रियलिस्टिक व्यू है ही नहीं कि ये थियरी सही है या गलत है, सिंपल। फिर कहता है कि द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज सेम सिंस क्रिएशंस विल बी सेम इन फ्यूचर। इसके हिसाब से जो इस धरती के ऊपर, जो अर्थ के ऊपर हमारी डाइवर्सिटीज हैं, ये कहता है कि जैसे पहले क्रिएट की गई थी वैसे आज है और फ्यूचर में भी वैसी रहेगी। टोटली रॉन्ग है। हमारे अर्थ के ऊपर हर दिन कह सकते हैं, हर आवर, हर मिनट, हर सेकेंड कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन अर्थ के ऊपर होते रहते, डाइवर्सिटी में होते रहते। तो दे आर ह्यूज डाइवर्सिटी इन अर्थ, एट अर्थ प्रेजेंट, इन विच डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑलवेज अकर्स। देर आर टू मेजर पॉइंट दिए गए इस थियरी के हिसाब से जो टोटली रॉन्ग है। थर्ड पॉइंट कहता है कि अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। टोटली एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये कहता है थियरी कि अर्थ मात्र 4000 साल पहले बना था। गलत है भाई, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया साहब साहब कि अर्थ का जो डिस्कवरी हुआ था, अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ था अप्रॉक्सिमेटली 4.5 बाया मीन्स 4.5 बिलियन ईयर एगो। कितने 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, जबकि ये थ्योरी कहती है कि 4000 साल पहले हुआ था, जो टोटली गलत है। नेक्स्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं, ये हमारी थ्योरी है कॉस्मिक पैंस्पर्मिया थ्योरी। कॉस्मिक
पैंस्पर्मिया थ्योरी। ये थ्योरी के हिसाब से कहती है थ्योरी कि उस टाइम पे कुछ जो प्लैनेट रहे होंगे दूसरे ग्रह, उनके ऊपर लाइफ रहा होगा, वहाँ से लाइफ स्पोर्ट्स के रूप में उड़ के दूसरे प्लैनेट पे गिरा, वहाँ से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। जबकि ये भी टोटली सही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस थ्योरी के हिसाब से क्या कहता है देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ केम एट अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस, इट मीन्स फ्रॉम अनदर प्लैनेट, अनदर स्पेस से लाइफ इस अर्थ पे आई है। कैसे मान सकते हैं? लेकिन थ्योरी था उस टाइम दिया गया था, इसलिए हम लोग सोचते थे कि हाँ यार क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इस थ्योरी कहते हैं कि यूनिट्स ऑफ लाइफ इज स्पोर्स वेयर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लेनेट इन इंक्लूडिंग अर्थ। ये कह रहा साफ साफ कि जो हमारी लाइफ की यूनिट स्पोर्ट्स के रूप में है, और वो स्पोर्ट्स जो था वो उस टाइम पे जब डेवलपमेंट हो रहा था तो किसी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे स्पोर्ट्स के रूप में ट्रांसमिट हुआ। उसी प्रकार से अर्थ पे भी एक स्पोर्ट्स आ गिरा, वहाँ से न्यू लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। जबकि हम इसको उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना भाई, कैसे अपन बोलेंगे कि ऐसा हो सकता है। डन, तीसरे थ्योरी के बारे में चलते हैं। तीसरी थ्योरी कहती है थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तीसरे थियरी के हिसाब से बात ये कह रही है कि थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। बताइए इस थियरी के अंदर थोड़ी सच्चाई है या कुछ ऑथेंटिक बातें करती है, फर्जी बातें नहीं करती है थियरी। इस थियरी के हिसाब से कहते हैं कि इसका दूसरा नाम थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को कह सकते हैं ए बायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस। इस थियरी को हम कहेंगे ए बायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस ऑटोजेनेसिस थियरी है इस थ्योरी के हिसाब से कि मतलब लाइफ का जो ओरिजिन है ये कंटिन्यूअस मैनर में हो रहा है, अपने आप शुरू हो गया था कहीं से भी। फिर इसके लिए जो मेन पॉइंट है इसके क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर, ये इस थ्योरी को सपोर्ट कौन किया था या कौन प्रोवाइड इस थ्योरी किया था उस टाइम पे, जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे ना जो ग्रीस के वो दार्शनिक पुराने दार्शनिक थे, वो इस थ्योरी को बारे में बात किए थे और वही लोग इस थ्योरी को मानते थे, लेकिन कोई खास ऑथेंटिक व्यू इसको भी नहीं मिला था। तो देखते हैं ये थ्योरी क्या कहती है क्या नहीं कहती, हम सबको जानना है इस थ्योरी के बारे में। देखिए क्या कह रहे हैं। पॉइंट पहला कहते हैं कि लाइफ केम आउट फ्रॉम डिकेइंग एंड मैटर्स लाइक स्ट्रॉ मड्स एक्सेट्रा। मतलब लाइफ जो है ये सड़े गले पदार्थों से अपीयर हुई है, जबकि कुछ हद तक इस बात में सच्चाई भी है कि मान लीजिए हम कोई चावल रख दिए कहीं पे सड़ रहा है, कोई ग्रेन अनाज कोई है रख दिए सड़ रहा है, तो वो हमें बैक्टीरिया वायरस या कि कोई कीड़े मकोड़े छोटे छोटे ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि थोड़ी सच्चाई है कि जो डेड एंड डीके मैटर से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था। फिर बात करते हैं कि इट इज़ बिलीव डैट मड ऑफ नाइल या नील रिवर कुड गिव्स राइज टू फिशेस फ्रॉग्स क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। जो कीचड़ है नील नदी का, जो नील नदी का कीचड़ था उस कीचड़ से ही हमारे फिश फ्रॉक्स क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, चलिए हम अपने चौथी थियरी के बारे में बात करते हैं कि चौथी हमारी थियरी क्या है क्या नहीं। ठीक है जी, चलिए चौथी थियरी की थियरी आप बायोजेनेसिस थियरी या बायोजेनेसिस है, इसको हार्वे एंड हक्सले ने दिया कि जो थियरी या बायोजेनेसिस है इस थियरी को हार्वे एंड हक्सले ने दिया था। थियरी या बायोजेनेसिस को किसने दिया? हार्वे एंड हक्सले ने दिया। किसने दिया? हार्वे एंड हक्सले ने दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ओमनीज वाइवम एक्स ओबो और ओ वीबो मीन्स ओमनीज वाइवम ये टर्म है, एक सेंटेंस उस टाइम में दिया गया था, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स न्यू लाइफ ऑन अर्थ कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम वनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। मतलब जो अर्थ पे न्यू लाइफ आएगी वो केवल प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पहले से जो लाइफ प्रेजेंट उन्हीं से आ सकती है। तो इस थियरी को भी कोई खास मान्यता मिली नहीं थी थियरी या बायोजेनेसिस को, बस ये पता होना चाहिए आपको थियरी बायोजेनेसिस हार्वे एंड हक्सले ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ओमनीज वाइवम एक्स वाइवो और वीवो इट मींस न्यू लाइफ ऑन अर्थ कैन बी ओरिजिनेटेड ओनली बाय प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि लुईस पाश्चर के बारे में। लुईस पाश्चर मेनली सपोर्ट द थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस थियरी को मेनली कौन सपोर्ट किया था? लुईस पाश्चर एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे
और इन्होंने डिसप्रूव किया था ए बायोजेनेसिस को इन्होंने डिसप्रूव कर दिया था, जबकि बायोजेनेसिस थियरी को इन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, अब इस पॉइंट्स के बारे में नेक्स्ट कुछ देखते हैं कि जो लुईस पाश्चर एक्सपेरिमेंट किए थे वो उनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया था। ठीक है, चलिए उस पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें पॉइंट में है कि लुईस पाश्चर एक्सपेरिमेंट इज नोन एज स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। लुईस पाश्चर का जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम कहते हैं स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट बोलते हैं किसको? लुईस पाश्चर के एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इन्होंने क्या अपने एक्सपेरिमेंट लिया था। ही परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट इन फ्लास्क विथ स्टरलाइज शुगर सिरप एंड किल्ड ईस्ट बाई बॉइलिंग। बॉइल करके हीट एंड किल ईस्ट ले लेते थे और स्टरलाइज शुगर सिरप लेते। उन्होंने इन्होंने देखा था कि न्यू लाइफ का अपियरेंस हुआ था एयर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद। एक्सपेरिमेंट काफ़ी डिटेल, लेकिन आपके सिलेबस ज़्यादा है नहीं इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करूँगा नहीं। बस इतने बेसिक आपको इस थियरी के बारे में पता रहना चाहिए। ठीक है, लास्ट थियरी के बारे में बात करते हैं। ओपेरियन एंड हेल्डन थियरी को मॉडर्न थियरी, ओपेरियन एंड हेल्डन थियरी को हम कहते हैं मॉडर्न थियरी। ओपेरियन एंड हेल्डन थियरी को हम बोलते हैं मॉडर्न थियरी, प्रपोज्ड बाई ओपेरियन एंड हेल्डन। ओपेरियन जो थे एक रशियन साइंटिस्ट थे, हेल्डन जो थे इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, या कह सकते हैं इंग्लैंड बोर्न इंडियन साइंटिस्ट, ऐसा भी माना जाता है। तो ओपेरियन हेल्डन थ्योरी को मॉडर्न थ्योरी कहते हैं। इसको प्रपोज किसने किया था? ओपेरियन एंड हेल्डन ने किया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक आरएनए एंड प्रोटीन। अब इनके थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट, ये कहते थे कि न्यू लाइफ ऑन अर्थ फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक आरएनए प्रोटीन से लाइफ बना। कुछ हद तक इनकी बातें भी सही हैं। फिर बात कर सकते हैं कि एट फर्स्ट टाइम लाइफ फॉर्म इन वाटर। अगर कोई ये आप सवाल पूछे कि सबसे पहले लाइफ कहाँ बना, तो आप ये आंसर दे सकते कि वाटर में सबसे पहले लाइफ बना था। सो वाटर इज इसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। लास्ट पॉइंट कहते हैं कि जो थियरी ऑफ ओपेरियन हेल्डन थियरी, जो मॉडर्न थियरी, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल ए बायोजेनेसिस थ्योरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछ लिया आपसे एग्जाम में एमसीक्यू बेस में सवाल में कि आर्टिफिशियल ए बायोजेनेसिस जो टर्म है ये कहाँ से आया था, किसी के लिए है, तो आप बोलेंगे कि जो ओपेरियन हेल्डन का थियरी है। किसका थियरी? जो ओपेरियन और हेल्डन का हमारे पास थियरी होता है उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ए बायोजेनेसिस थियरी। तो पॉइंट ऑफ ओपेरियन कहाँ का साइंटिस्ट है? रशिया का। हेल्डन जो साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। इनके हिसाब से क्या था आपको पता रहना चाहिए। बाकी इसमें एक जो मैंने पॉइंट आपको बताया कि जो थियरी ऑफ बायोजेनेसिस जो एक है थियरी ऑफ बायोजेनेसिस है, इसको हार्वे एक्सल ने दिया था, लेकिन इस थियरी को मेनली सपोर्ट किसने किया था या कहें कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था, तो हम इसका नाम लेंगे लुईस पाश्चर के बारे में। आपको कम से कम पता रहना चाहिए। और इन्होंने ही बायोजेनेसिस को प्रूफ किया था, जबकि ए बायोजेनेसिस थ्योरी को डिसप्रूव कर दिया था। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, इनके एक्सपेरिमेंट के ये काफ़ी स्पेशल पॉइंट है, अगर आपसे एग्जाम में आ जाए सवाल कि लुईस पाश्चर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था बायोजेनेसिस थ्योरी को प्रूव करने के लिए, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, तो आपको पता होगा स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट इनके थियोरी का नाम था या एक्सपेरिमेंट का नाम था। ये भी अब पॉइंट आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, यही सब है आज के पॉइंट्स में। बाकी लाइफ नील नदी से आई थी, मैं बताना चाहिए उसके मर्ड से आए थे, फ्रॉग, फिश, क्रोकोडाइल का फॉर्मेशन हुआ था। इन सारे पॉइंट्स को आपको कम से कम पता रहना चाहिए। बाकी सिस्टमेटिक मैनर में आप पढ़िए। ये जो मैं सारे नोट्स यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी नोट्स मिल जाएंगे आपको, या फेसबुक पेज पे आप जाएंगे। अभी मैं कुछ टाइम में फेसबुक अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने सारे पेजेस को, मतलब फेसबुक पेज, इंस्टा पेज को अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्ट अटैच होके सारे नोट्स वहां से पा सकते हैं। फेसबुक पेज पे लाइक करके वहां पे आप सारे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इंस्टा से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, कम से कम सब्सक्राइब करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिले, हम और आपके लिए मेहनत करते रहें। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। Thank you very much.
एवरीवन।